हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? तो जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन शेयर करी है FCI की, LICAO की, ठीक है, RRB, NTPC। आप प्लीज़ इसको खोल के देखिए, एंड जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जल्दी आने वाली है, ठीक है। प्लस आपको, मेरे को काफ़ी बच्चों ने कहा कि मैम आप प्लीज़ हमारा रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट कराइए, मैथ्स कराइए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मेरे पास डिवाइस नहीं था, मैं एक डिवाइस लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको रीजनिंग करा सकती हूँ। तो उसमें क्या है, मैंने आपको आज जो चैप्टर लिया है वो है आपका डाइस का चैप्टर, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाऊंगी डाइस के बारे में, क्या है क्या नहीं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्या उसमें रूल्स लगते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि डाइस तो हर पेपर में आता ही है और CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हम इस टॉपिक को आज कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बाकी हाँ, राइटिंग और उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी मैंने नया इस डिवाइस को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। गाइस, जिन जिन ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका चैप्टर डाइस के ऊपर। तो गाइस, डाइस होता क्या है? डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासा, ठीक है। अब पासा आपने देखा होगा, बच्चे आप लोग लूडो खेलते हो, है ना, तो उसमें एक पासा फेंकते हो जिसमें एक नंबर आता है आपका 1 से 6 के बीच में, ठीक है, और उसके ऑपोजिट एक नंबर होता है, उसके एडजेसेंट 4 नंबर होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में डाइस, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डाइस की डेफिनेशन। इन अ डाइस वन सरफेस इज ऑपोजिट टू अनदर सरफेस एंड 4 एडजेसेंट सरफेस आर प्रेजेंट अराउंड इट। जैसे कि आपको पता ही है, मान लो हम एक यहाँ पर एक डाइस बना लेते हैं, 3D फिगर है आपकी, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, जब आप पासा फेंकते हो तो मान लो आपका नंबर आ गया 3, ठीक है। अब 3 के ऑपोजिट कोई भी होगा, अब 3 ये तो है नहीं, आपका 3 आ गया, अब आपने देखा होगा कितने सरफेस होते हैं वहां पर, 6। 3 के साइड में भी कुछ होगा, है ना, यहाँ भी कुछ आएगा, इधर भी कोई नंबर होगा, 3 के नीचे भी कोई नंबर होगा, है ना। तो क्या होता है, जो हमारा नंबर आता है उसके एडजेसेंट, मतलब जो भी लगती हुई उससे बाउंड्रीज हैं, उसको बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है, और जो कि 4 नंबर होते हैं, और ऑपोजिट में हमेशा एक ही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 3 के ऑपोजिट आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अब 3 के ऑपोजिट 3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 3 आ चुका है, ठीक है, 4, 5, कोई भी नंबर इसमें ऑपोजिट आ सकता है आपका, तो इसी को बोलते हैं गाइस डाइस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपके डाइस कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं आपके एक स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है गाइस जिसमें कि सम ऑफ एनी टू ऑपोजिट साइड इज 7, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में आपका सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स होता है आपका 7, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर मैं आपको एक डाइस बना के दिखाती हूँ, इसमें ये देख लीजिए स्टैंडर्ड डाइस में बेसिकली क्या होता है। आपको दो तरीके के डाइस मिलेंगे, ठीक है, एक होगा रीजनिंग में स्टैंडर्ड डाइस और एक होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो आएंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस से, क्योंकि वो आपको अभी पता चल जाएगा किस लिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस से आएंगे, ठीक है। ये है आपका एक स्टैंडर्ड डाइस जो मैं आपको बना रही हूँ, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 4, 6, 5, ठीक है। अब ये जो 4 है ना, इसका मतलब है ये आपका बिल्कुल सामने वाला नंबर है जो आपका आया है, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, 1 और 2। अब गाइस स्टैंडर्ड डाइस आपका क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डाइस कहता है आपका कि जो ऑपोजिट है होते हैं ना नंबर्स ऑपोजिट साइड, मान लो 4 के ऑपोजिट जो भी आपका होगा, ठीक है, वो प्लस 4 उसको 7 बनाना चाहिए, मतलब कि 4 प्लस जो भी ऑपोजिट साइड है उसका सम होना चाहिए आपका 7। तो 7 कब आएगा, वो तब आएगा जब आप इसमें
तीन ऐड कर दोगे, ठीक है, इससे बनेगा सेवन। तो हमेशा चार के ऑपोजिट जो है वो तीन आएगा, तब ये स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग आपका क्या होना चाहिए स्टैंडर्डाइज में, क्या बोलता है आपका कि ये जो एडजेसेंट सरफेस है ना आपके की, तो एडजेसेंट है आपके 6, 5, 1 और 2, है ना, चार के ऑपोजिट एडजेसेंट यही है। तो कोई भी जब चार के एडजेसेंट है वो नंबर्स मिला के सेवन सम आपका नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 कितना होता है, 9, ठीक है, सम इसका 7 के बराबर नहीं है, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब सिमिलरली गाइस, जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है वो हमेशा हो जाता है इसका ऑपोजिट, ठीक है। कहने का मतलब है आपने स्टैंडर्ड डाइस में देखा कि जो सम ऑफ ऑपोजिट साइड है वो हमेशा 7 होगी और एडजेसेंट साइड 7 नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम एक लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो गाइस नॉन स्टैंडर्ड को हम ऑर्डिनरी डाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपकी जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं वो आपके 7 आपका नंबर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमने एक डाइस ले लिया है, मैं एक यहाँ पर एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस बना रही हूँ आपका, यहाँ पर हमने 4 नंबर लिया है, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ पर हमारा आ गया 5। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमारा ऑपोजिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड में था चार के ऑपोजिट हमेशा 3 होना चाहिए, ठीक है, प्लस 7 सम देना चाहिए, तब वो एक स्टैंडर्ड डाइस बनता। लेकिन ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें क्या है, चार के जो ऑपोजिट है वो कोई भी नंबर आ सकता है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सम 7 हो। प्लस हमने क्या देखा था कि चार के जो भी एडजेसेंट नंबर होंगे उनको मिला के उसका सम 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस डाइस में देख सकते हैं चार के एडजेसेंट नंबर जो 3, तो 4 और 3 का सम आ गया 7, ठीक है। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इसमें एडजेसेंट का 7 आ गया, ठीक है। अब जब 3 यहाँ आ गया तो पीछे कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, तो 7 तो बनने नहीं वाला ऑपोजिट में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, ठीक है। तो अब आपको कई बार कंफ्यूजन होगी कि मैम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाने, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में यही है बेसिकली, जो भी आपका नंबर दे रखा होता है, जो भी नंबर आता है उसके जो ऑपोजिट होगा स्टैंडर्ड डाइस में, उन दोनों का सम हमेशा 7 बनना चाहिए, ठीक है, और एडजेसेंट साइड का कभी भी सम 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चार लगती हुई साइड है उसकी, उसका सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी हो जाती है स्टैंडर्ड, और बाकी जो भी आएगा वो होगा आपका नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आप बोलोगे कि मैम स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं आते और ऑर्डिनरी पे क्यों आते हैं, तो बच्चों देखो एसएससी है ये, ठीक है, आपको इतना इजी करके तो देगी नहीं कि हाँ भाई स्टैंडर्डाइज पे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि आपको पता है भाई ऑपोजिट साइड का हमेशा वो पूछती है इसके ऑपोजिट क्या आता है। तो आपने देख लिया कि मान लो आपको 5 के ऑपोजिट पूछा है, तो अब झट से आंसर मार्क कराओगे 2, ठीक है, या फिर आपको 6 के ऑपोजिट पूछा है तो झट से आंसर मार्क कराओगे 7। तो क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डाइस को तो पता ही है ना भाई ऑपोजिट का 7 होता है और एडजेसेंट का 7 नहीं होना चाहिए, तो भाई उसमें क्या फायदा, उसमें तो उनको ही लॉस है, इसमें सब कर लेंगे तो फिर क्या फायदा एसएससी क्वेश्चन बनाने का। तो आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर, ठीक है, तो उसमें आपको नहीं पता रहेगा कि कौन सा ऑपोजिट है, एडजेसेंट में क्या सम है, तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा 2 डायग्राम्स प्रोवाइड करे गए होंगे, तो जिसमें से देख के आपको बताना होगा कि भाई कौन सा नंबर कहाँ आएगा और क्या करना है आपको, ठीक है। तो अब इसमें 3 फंडामेंटल रूल बेसिकली लगते हैं आपके नॉर्मल डाइस के ऊपर। सबसे पहला रूल आपका है एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल क्या कहता है आपका गाइस, एडजेसेंट नंबर नेवर कम्स ऑन ऑपोजिट सरफेस। इसका क्या मतलब है एडजेसेंट सम नेवर कम्स ऑन अ ऑपोजिट सरफेस, इसका मतलब है ये आपको मैं बताती हूँ एक डाइस बना के, ठीक है, 2 डाइस बनेंगे इसमें, तो आप उसमें देखिए क्या कहता है ये। मान लो ये एक आपका डाइस है, ठीक है, और आपका एक ये डाइस है। अब हम इसमें नंबर ले लेते हैं 3, 2, 4। मैं आपको बता दूं हम नॉन स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, तो इसमें आपका ज़रूरी नहीं है एडजेसेंट में 7 आए, तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड में क्वेश्चन होंगे। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें 4 के ऑपोजिट बताइए कि कौन सा नंबर आएगा। अब आपको इस डाइस को देख के कैसे पता चलेगा भाई 4 के ऑपोजिट आपको कौन सा नंबर आ रहा है, वो ऐसे पता चलेगा कि इसमें क्या कहता है रूल
कि एडजेसेंट नंबर नेवर कम्स ऑन ऑपोजिट सरफेस। मान लो आपको चार के ऑपोजिट पूछा गया है, तो चार के एडजेसेंट कौन सा है, तीन है, दो है, तो ये ऑपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे। तो आप लिख लो कि भाई चार के ऑपोजिट में तीन दो नहीं आएंगे। फिर हम आएंगे अपनी डाइस नंबर टू पे। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर चार के एडजेसेंट में कौन से नंबर दे रखे हैं, छः और एक। तो भाई छः भी नहीं आएगा और एक भी नहीं आएगा, है ना। चार के ऑपोजिट ये तो आएंगे ही नहीं नंबर, क्योंकि ये तो एडजेसेंट हो गए हैं। अब बचा चार, चार के ऑपोजिट चार कैसे आ सकता है भाई, अगर डाइस है, छः सरफेस हैं, तो आपके चार के ऑपोजिट चार भी कैसे आ सकता है। तो ये अब ऑटोमेटिकली तीन दो छः एक, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। तो चार के जो ऑपोजिट आएगा वो आएगा आपका पाँच, ठीक है। तो जब कोई भी डाइस का क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये देखिए, थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही मैं इससे यूज टू हो जाऊंगी तो मैं आपको ढंग से इसमें लिख पाऊंगी, और प्रैक्टिस भी मांगती है भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन परफेक्ट टू। बट देखिए, अब ये देखिए पाँच दो तीन, अब एक यहाँ पर हम लेते हैं, चार तीन और छः। अब इसमें मान लो आपसे पूछा गया है तीन के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, थ्री, नंबर ऑपोजिट टू थ्री, थ्री के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, आप कैसे निकालोगे। अब हाँ, आप देख लो फर्स्ट डाइस देखिए आप, ठीक है, फर्स्ट डाइस में आप देखिए थ्री के एडजेसेंट कौन सा है, पाँच और दो, ठीक है, पाँच और दो एडजेसेंट हैं, तो मतलब ऑपोजिट तो वो नहीं होंगे, ये भी कैंसिल हुआ। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, तीन के ऑपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है, चार और छः, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो ये चार नंबर तो तीन के ऑपोजिट है ही नहीं, और तीन के ऑपोजिट तीन तो आएगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है तीन के ऑपोजिट आपका कौन सा नंबर होगा, वो होगा एक, जो कि इसमें गायब है, ठीक है। तो ये आपका कहता है एडजेसेंट रूल। अब इसमें ये आपका एडजेसेंट रूल कब अप्लाई होगा, ये जब अप्लाई होगा जब एग्जामिनर जो है, व्हेन एग्जामिनर जो है आपका पेपर में आस्क्स किसके ऑपोजिट, ऑपोजिट टू कॉमन नंबर, ऑपोजिट टू कॉमन नंबर के पूछे, तभी ये रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें चार कॉमन था, तो चार इसके अगर दो डाइस में आपका चार कॉमन है, तो अगर उसके ऑपोजिट पूछा है तब आप ये रूल अप्लाई करेंगे। अब आप इसमें भी देख सकते हैं पाँच दो तीन चार तीन छः, तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, तीन, तो इसके अक्रॉस आपको पूछा है कि भाई इसके अलॉन्ग पूछा है कि तीन के ऑपोजिट कौन सा है, तो अब आप यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका एडजेसेंट रूल है, ठीक है। अब गाइज हम चलते हैं नीचे, तो जो कि है दूसरा रूल आपका, दूसरा रूल आपका जो सेकंड रूल है, ठीक है, वो क्या कहता है, इफ टू नंबर्स आर कॉमन इन अ डायग्राम ऑफ अ डाइस देन रिमेनिंग टू नंबर्स आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने में मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी है, तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है आपका, मान लो हमने यहाँ एक बना दी डाइस, ठीक है, सेकंड रूल हम कर रहे हैं, याद रखना पहला रूल था एडजेसेंट रूल, ये आपका रूल टू है, इसको आप कॉमन फेस रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन नंबर रूल भी कह सकते हैं, जो मर्जी इसको बुलाइए, बेसिकली मेन तो आपका मकसद है समझने का, है ना। अब देखिए ये मैंने यहाँ कर दिया पांच, आगे एडजेसेंट इसके दो तीन, पहली डाइस छः दो और चार, ये डाइस फर्स्ट है आपका, ये है डाइस सेकंड। अब इन दोनों डाइस में आप देख लीजिए, ये क्या कहते हैं आपका सेकंड रूल, जब भी आपका कोई भी नंबर कॉमन हो, ठीक है, देख लीजिए कौन सा नंबर कॉमन है इसमें, दो, और अगर वो उन दोनों का सरफेस सेम हो, मान लो ये जो दो है ये भी ऊपर आता है, ठीक है, इस दो का भी सरफेस ऊपर का ही है, ठीक है, तो अगर मान लो ये सेम फेस पे लाए करते हैं दोनों डाइस में, तो जो आपके बचे हुए नंबर हैं, मान लो पाँच छः, ठीक है, और तीन, ये दो बचे हुए नंबर हैं, हमेशा जो है पाँच छः के ऑपोजिट होगा, ठीक है, और तीन जो है वो चार के ऑपोजिट होगा। मान लो
कॉमन नंबर जो है आपका है कॉमन नंबर लाइज ऑन सेम सरफेस, जब वो सेम सरफेस पे लाई करता है तो जो आपके बचे हुए दो नंबर हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएंगे और सेम सरफेस पे जो लाई करते होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे आपने इस डायग्राम में देखा दो नंबर कॉमन है, टू कॉमन है दोनों में सेम सरफेस पे, तो पाँच और छः ये भी सेम सरफेस पे, ये भी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, और तीन भी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट चार के हो जाएगा। तो ये है आपका रूल नंबर टू, ठीक है। ऐसे ही आप एक और आप देखिए, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये आप खुद करिएगा, दो मिनट का समय लीजिएगा, ठीक है, और खुद करके बताइएगा कि कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट है। मान लो यहाँ चार है, ठीक है, यहाँ पर आपका तीन है, यहाँ आपका पाँच है, सिमिलरली यहाँ आपका चार है, यहाँ आपका एक है, यहाँ आपका छः है, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए कि तीन के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है, और चार के ऑपोजिट कौन सा है, पाँच के ऑपोजिट कौन सा है। अब दो मिनट का समय लीजिए, मैं दो मिनट के लिए चुप होती हूँ, और फिर आप मुझे बताइए कि कौन सा किसके ऑपोजिट है। तो आपने कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको टाइम मिल गया है, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था इस रूल में कि हमेशा एक कॉमन नंबर होना चाहिए और सेम फेस पे लाइक करना चाहिए। चार इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और फेस दोनों का ही सेम है, ठीक है, ये भी फ्रंट पे लाई करता है, ये भी फ्रंट पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका तीन जो है वो एक के ऑपोजिट हो जाएगा और पांच जो है वो छः के ऑपोजिट हो जाएगा, ये सेम फेस वाले भी ऑपोजिट हो जाएंगे। तो तीन के ऑपोजिट कौन सा नंबर लाई करेगा, एक, ठीक है, पाँच के ऑपोजिट जो है आपका छः लाई करेगा। अब चार के ऑपोजिट हमें क्या पता भाई, पूछा यहाँ चार के ऑपोजिट नहीं पूछा जाएगा, इसमें किसी के भी ऑपोजिट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जो ऊपर वाला हमने एडजेसेंट रूल करा था उसमें हमेशा आपको कॉमन नंबर के ऑपोजिट पूछेगा, ठीक है। अब हम आएंगे गाइज रूल नंबर थ्री पे। रूल नंबर थ्री ये है आपका ब्रह्मास्त्र। भाई जब आपने देख लिया ऊपर वाले दो रूल जो हैं वो कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहे, कहने का मतलब है यार एक क्वेश्चन दो डाइस भी दे दिए गए हमें, ठीक है, एक तो सरफेस एक कोई कॉमन भी नहीं दिख रहा आपको ऐसा कि भाई सेम उस पे हो, या फिर ऐसा भी नहीं दिख रहा कि भाई क्या कहते हैं मान लो इस डाइस में एक नंबर कॉमन हो और उस डाइस में भी वही कॉमन है, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा उसको कैसे लगाया जाए। तो ये जो रूल है ना गाइस, ये हम किसी भी डाइस के क्वेश्चन में लगाएंगे तो आंसर आएगा ही आएगा आपका। अब ये आपका रूल क्या कहता है, ये कहता है आपका इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन इन टू डायग्राम ऑफ डाइस देन मूव क्लॉकवाइज विद कॉमन नंबर इन बोथ डाइस। कहने का क्या मतलब है ये आपको समझाऊंगी मैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपका इसको हम रोटेशनल रूल बोल देते हैं, ठीक है, घुमाने वाला रूल बोल दो, चाहे इसको कुछ भी बोल दो। अब ये जो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रूल है ये कब अप्लाई होगा, जब जो आपका एग्जामिनर है ना वो आपको ऑपोजिट नंबर के अक्रॉस ना पूछे, ठीक है, वो ना पूछे कि भाई ऑपोजिट नंबर में कौन सा क्या लाई करता है, तब आपका ये रूल अप्लाई होगा। तो देख लीजिए आप हम बनाते हैं यहाँ पर दो डाइस, ठीक है, ये आपके बने दो डाइस, बहुत ही गंदे बने हैं, ये देख लीजिए ये हो गए आपके दो डाइस, ये डाइस नंबर वन, इसको नाम दे दो डाइस नंबर टू। अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं तीन दो पाँच, यहाँ पर हम कर लेते हैं चार पाँच छः, मैं फिर से बता दूँ स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा, कॉमन डाइस पे आएगा, ठीक है। अब आपका ये रूल क्या कहता है, रोटेशनल रूल, ये रूल आपका कहता है अगर आपकी डाइस में एक भी नंबर कॉमन है, तो इसमें अब देख लीजिए पांच कॉमन है दोनों में ही, इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है, ठीक है, और वो आपसे जो एग्जामिनर है वो कॉमन नंबर के अक्रॉस नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई पांच के ऑपोजिट क्या है,
तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, आप इसको घुमा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे और आपको दिखे कोई भी कॉमन नंबर है, ठीक है, तो और अगर आपको कॉमन नंबर के अक्रॉस नहीं पूछा जाता तो आप इसको रोटेशनल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉमन नंबर के ऑपोजिट पूछा जाता है तो आपको पता ही है कैसे करना है। मान लो यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है, तो हम एडजेसेंट रूल लगा देंगे उसमें। वो कैसे, पाँच के एडजेसेंट तीन है, दो है तो ऑपोजिट तो होगा नहीं, चार है, छः है तो ऑपोजिट होगा नहीं, तो जो भी नंबर बचेगा वो हो जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब पाँच के ऑपोजिट नहीं पूछा आपको। अब मान लो तीन के ऑपोजिट पूछा है, अब तीन के ऑपोजिट कैसे निकालोगे। अब साफ बात है यहाँ भाई, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है कि सेम सरफेस पे तीन के जो सेम सरफेस है वो चार है, उस पे चार दे रखा है, दो है यहाँ पाँच है, पाँच यहाँ छः है, तो सेम सरफेस पे तो भाई अलग अलग नंबर लाई कर रहे हैं। अगर कॉमन में पूछा जाता तो भी हम जवाब दे देते हैं भाई। अब इसमें क्या करें, अब इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्योंकि इसके कॉमन नंबर के ऑपोजिट नहीं पूछा, तो हम जो भी इसमें कॉमन है दोनों में, मान लो पाँच है, उसको हम क्लॉक वाइज घुमा देंगे। अब भाई क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे ही चलेगी ना, है ना, ये वाली डायरेक्शन होती है कोई भी, अगर मान लो घड़ी है आपकी, वो इस तरीके से ही तो चलेगी, पहले एक बजेगा, दो बजेगा, तीन बजेगा, है ना। ये तो है नहीं पहले बारह बजेंगे, फिर ग्यारह बजेंगे, है ना, दस बजेंगे, ऐसे तो चलती नहीं घड़ी, हमेशा ऐसे ही चलती है इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हम घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे। अब इस पासे को भी हम ऐसे घुमा देंगे, तो हम पहला जब घुमाएंगे तो आप क्या लिखो, जब भी आपको ऐसे वो करना पड़े तो ये लिख दिए पाँच, ठीक है। अब हम जो नंबर घुमा के आएगा तीन और फिर आपका पड़ेगा दो, ठीक है, कॉमन के अक्रॉस घुमाएंगे। अब आप यहाँ से भी घुमा दीजिए इसको क्लॉकवाइज में, तो क्या होता है इसमें पाँच, पाँच का पाँच लिख लीजिए, फिर ऐसे घुमाओगे तो पहला नंबर क्या पड़ेगा आपका क्लॉकवाइज में, छः पड़ेगा, फिर क्लॉकवाइज में घूम के आपका क्या पड़ेगा, चार पड़ेगा, है ना, ये चार पड़ेगा। तो आपको कॉमन के अक्रॉस तो पूछा नहीं है, तो ये आ गए आपके हमेशा ये होंगे नंबर ऑपोजिट। पांच के अक्रॉस पूछा नहीं गया, तीन के अक्रॉस अगर वो पूछता कि तीन का ऑपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप सीधा बता देते सर जी छः है। अगर आपसे पूछता कि भाई दो के ऑपोजिट कौन सा है, तो भी आप सीधा बताते चार है। चार के ऑपोजिट पूछता, छः के ऑपोजिट पूछता, तो तीन है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जब तीन के ऑपोजिट दो हो, छः के ऑपोजिट चार हो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस आपके और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए। एक बार है इसकी चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी लो हो गई है, मुझे इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा तुरंत, तो आप जरा दो मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ जी गाइस, तो अब ये रूल मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये रूल तब लगेगा जब जो आपका एग्जामिनर है वो ऑपोजिट आर्म के अक्रॉस या कॉमन नंबर के अक्रॉस आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, जब वो कॉमन नंबर के ऑपोजिट नहीं पूछेगा। मान लो दोनों डाइस में पांच नंबर कॉमन है तो उसके अक्रॉस नहीं पूछेगा, उसके अलावा किसी से पूछेगा, तो वहाँ आप रोटेशनल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं डाइस के। तो अब हम एक एक करके दो चार क्वेश्चंस जो हैं डाइस के अब हम कर लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं हम डाइस और हम देखते हैं कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ हमने बना दिया, ये एक डाइस हो गया, ठीक है, ये डाइस नंबर टू हो गया। गाइस कई बार ना आपको तीन डाइस चार डाइस भी दे देते हैं, उसके अक्रॉस भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले तो मैंने आपको बेसिक करा दिया था कि अब जो बेसिक है मान लो दो के अक्रॉस, तो पहले तो उसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तीन दो चार, तीन एक पांच। अब मान लो आपसे पूछा गया है कि आप जो है बताइए दो के अक्रॉस
ऑपोजिट कौन सा है और बताइए पाँच के ऑपोजिट कौन सा है, तो आप कैसे करेंगे। अब इसमें क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सा रूल लगेगा? हमने ना सेकंड नंबर पे एक रूल करा था, है ना, कि अगर कोई भी कॉमन नंबर है और वो सेम फेस पे लाई करता है, मान लो तीन है, ये भी आगे की तरफ लाई कर रहा है, यहाँ पर भी तीन आगे की तरफ लाई कर रहा है, तो जो एडजेसेंट हैं आपके और वो भी सेम सरफेस पे, वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब दो के ऑपोजिट एक हो जाएगा और चार के ऑपोजिट आपका पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके ऑपोजिट। अब देखिए हम एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं आपका, इसमें पहले चलो पहले दो का ही बना लेते हैं, ठीक है। अब चलो तीन का बनाते हैं हम सीधा, ये वाला तो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम बनाएंगे तीन का। ये आपका तीन डाइस का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आप बताइएगा मुझे, ठीक है। यहाँ आपका एक दो तीन छः तीन पाँच दो चार पाँच, डाइस नंबर वन, डाइस नंबर टू और ये है डाइस नंबर थ्री। अब आपसे क्या पूछा गया है, तीन के ऑपोजिट कौन सा नंबर पड़ेगा, आपको ये बताना है कि थ्री के ऑपोजिट कौन सा होगा। अब कैसे करेंगे हम, इन सबसे पहले हम इन दोनों डाइस को उठा के देखेंगे, डाइस नंबर वन और डाइस नंबर टू, ठीक है। क्या इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो सबसे पहला रूल हम देखेंगे, एडजेसेंट रूल क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर तीन है, यहाँ तीन है, ठीक है। पहले इससे हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये एडजेसेंट रूल से हो सकता है हमारा, अगर यही दोनों चीज उठाएं, ठीक है। अगर हमारा इन दोनों डाइस से नहीं होता फिर हम तीसरी डाइस उठाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, तीन के जो एडजेसेंट है वो दो है, तीन के एडजेसेंट एक है, तीन के एडजेसेंट छः है, तीन के एडजेसेंट पाँच है, ठीक है भाई। जब एडजेसेंट होगा ये तो ऑपोजिट तो ये होंगे ही नहीं, तो ये चार नंबर तो तीन के ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। अब तीन अपने आप के ऑपोजिट भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा नंबर, एक आ गया, दो आ गया, तीन पाँच छः, तो तीन के ऑपोजिट हो जाएगा हमारा चार। लो भाई बन गई बात, इन दो डायग्राम से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें तीसरे डायग्राम तक आने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब बात रही, अगर मान लो इन इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दो डायग्राम, चलो ठीक है मैं आपसे पूछती हूँ, अब पांच के ऑपोजिट बताओ, पांच के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, पांच के ऑपोजिट बताइए कौन सा नंबर होगा। अब ये आप कैसे करोगे, इन दो डाइस में से चलो आपके तीन का मिल गया, अब इन सबको आप एनालाइज करो और सारे रूल्स अप्लाई करो और बताओ मुझे कि ये जो पांच है इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। कुछ समझ आ रहा है? अब देखिए गाइस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए पांच के ऑपोजिट क्या है, तो आप ये देख लीजिए, मान लो इन दो डाइस को हम पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमारा पहला रूल जो दूसरा रूल था वो क्या कहता है, हमने देखा यहाँ भी यार पांच है, यहाँ पर भी पांच है, सेम फेस पे हैं, है ना। लेकिन जो हमारा दूसरा रूल था वो यही तो कह रहा था कि भाई अगर आपका कोई कॉमन नंबर है ना, सेम फेस पे है, और एग्जामिनर जो है उसके ऑपोजिट नहीं पूछता, क्योंकि पांच के ऑपोजिट कभी पांच नहीं हो सकता, है ना। तो सेम फेस पे, तो जो दूसरे एडजेसेंट नंबर है जैसे कि तीन है सेम फेस पे, चार, इन दोनों का ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे और छः और दो ऑपोजिट हो जाएंगे, भाई पांच नहीं मिला हमें, फिर भी पांच के ऑपोजिट नहीं मिला, अब क्या करें। अब हम पहला है आपका जो था एडजेसेंट रूल, वो भी नहीं लग सकता शायद, है ना, या लग सकता है बताओ मुझे, अब वो कैसे है? बिल्कुल लग सकता है, पांच के ऑपोजिट ये देखिए इन दोनों से सॉल्व हो गया, कैसे हुआ ये देखो, पांच के ऑपोजिट पूछा है ना, पांच के एडजेसेंट आप देख लीजिए क्या है, चार है दो है, अब यहाँ पर पांच के एडजेसेंट क्या है, तीन है और छः है, ठीक है, यहाँ तीन लिखा, यहाँ लिखा हमने सिक्स। अब क्या है इसमें, अब ये हो गया एडजेसेंट, तो मतलब ऑपोजिट तो ये चार नंबर्स हैं ही नहीं,
तो आपका क्या होगा, कौन सा नंबर बच गया, एक नंबर, सारे नंबर तो कवर हो गए, तो एक ही पांच के ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैं आपको दो तीन और एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। और मैं चार का भी एग्जांपल देती हूँ, चार डाइस बना के, ठीक है, तो उसमें आप देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इनकेस, तो मैं आपको अपनी आईडी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, आज मैं लिंक में दे दूंगी। तो उस पर आप मुझे ना अपने क्वेश्चंस मेल कीजिए कि मैम ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आंसर जरूर भेजूंगी उसका, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हम एक डाइस बनाते हैं चार वाला, चार डाइस बनाते हैं हम इसमें और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी गाइज यहाँ मैं इतने क्वेश्चंस तो करा नहीं सकती, मैं आपको बस थोड़ा एक ब्रीफ वो दे सकती हूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकती थी इस डाइस में मैंने कर दिया, कहाँ क्या रूल लगेगा और कब ये रूल नहीं लगेगा, बाकी आपको प्रैक्टिस से ही इसके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। एकदम से कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, 10 बार लगाओगे, 10 बार गलत होगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने हैं। हमारा काम सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, पढ़ना आप लोगों का काम होता है ना। ये देख लीजिए मैंने ये बना दिया एक क्वेश्चन, चलो अब आपका डाइस वन, डाइस टू, ये है आपका डाइस थ्री एंड दिस इज डाइस फोर, गॉट इट। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू नंबर सिक्स, छः के ऑपोजिट कौन सा है आपका नंबर, तो कैसे पता लगाएंगे, चलो कैसे देखें। अब पहले हम इन दो डायग्राम्स को एनालाइज करते हैं कि यार छः के ऑपोजिट पूछा है तो क्या हम इससे कर सकते हैं। रूल, पहला रूल क्या कहता था आपका, एडजेसेंट नंबर रूल, है ना। तो छः के एडजेसेंट में आपका कौन कौन से नंबर है, तीन है, दो है, यहाँ देख लेते हैं छः के एडजेसेंट कौन सा है, दो है और चार है। अब भाई नहीं बनी बात, क्यों नहीं बनी, क्योंकि यार हमें तो ऑपोजिट दो, एक दो तीन ही नंबर पता चलेगी भाई, लेकिन हमें चार नंबर तो पता होने ही चाहिए, कौन कौन से नहीं है, तभी तो पांचवा नंबर हम निकालेंगे। तो भाई ये तो गया, फर्स्ट और टू, वन और टू से तो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हम आते हैं फर्स्ट और थ्री में, देखते हैं भाई छः के ऑपोजिट क्या हम फर्स्ट और थ्री से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं छः के एडजेसेंट यहाँ क्या लिया हुआ है, तीन है, दो है, मतलब ऑपोजिट ये नहीं होगा। यहाँ क्या है, छः के एडजेसेंट है आपको दे रखा है पाँच है और चार है ना, पाँच भी है और चार भी है। अब देखिए बन गई बात, बन गई, ये देखिए अब क्या है आपका तीन दो पाँच चार, ये तो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते, जो एडजेसेंट नंबर है वो ऑपोजिट में तो आएगा ही नहीं भैया, आ गया तब जब, तो ऑपोजिट में कैसे हो जाएगा। तो आपका कौन सा नंबर बचा, वो बचा एक, तो छः के जो ऑपोजिट होगा वो एक होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, दिमाग लगाना है, ये नहीं है दो में नहीं आया तो भाई कंफ्यूज हो जाओ, इसको कंपेयर करो डायग्राम्स को सबको और फिर आप अपना निकालो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम इसी पे से बना देते हैं, चलो अब वो कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे उसको कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टू के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, टू के ऑपोजिट, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे टू के ऑपोजिट कौन सा है, क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं टू के ऑपोजिट कौन सा आएगा, चलो देखते हैं क्या इन दो डायग्राम से हमें दो के ऑपोजिट मिलेगा। तो पहले तो ये भी होना चाहिए भाई, दो नंबर होना भी तो चाहिए, ऑपोजिट देख तो रहे हो पर दो नंबर होना भी तो चाहिए, कभी उसमें दो ही नहीं, और उसमें आप मान लो इसको और इसको आप कंपेयर कर रहे हो, भाई कैसे पता चलेगा, जब भाई ये देखो कैसे पता चलेगा आपको दो के ऑपोजिट कौन से, जब दो है ही नहीं दोनों में, कहाँ से पता लगाओगे, कम से कम एक कॉमन तो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे दो से ऑपोजिट पूछा है तो पहला डायग्राम लेंगे हम, दो के एडजेसेंट कौन से नंबर है, छः और तीन, ठीक है। अब यहाँ पर छः और चार हैं तो हमें चार नंबर तो मिले नहीं, अब हम थर्ड पे स्किप करेंगे। अब दो के ऑपोजिट, अब ये देख लीजिए अब यहाँ भी क्या करें भाई, अब सबसे पहले छः और यहाँ पर आ गया तीन, दो के एडजेसेंट है और यहाँ पर छः और चार है, छः और चार,
हमें चार नंबर्स नहीं मिले, हमें पता चल गया दो के ऑपोजिट तीन भी नहीं आ सकता, छः भी नहीं आ सकता, चार भी नहीं आ सकता। लेकिन अब हमें ये थोड़ी पता है, अब कितने नंबर बच गए आपके पास, पांच बच गया, ठीक है, और एक। अब इस दो के ऑपोजिट यार पांच भी आ सकता है और एक भी आ सकता है, भाई नई बनी बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे थर्ड डायग्राम पे को कंपेयर करेंगे, इसमें दो है पर इसमें तो दो है ही नहीं, अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, हो ही नहीं सकता है कंपेयर। अब चलो पहले वाले को अब हम करते हैं फोर्थ डायग्राम से कंपेयर, ठीक है। टू के ऑपोजिट पूछा गया आपसे, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहली चीज हमने उस रूल में क्या पढ़ा था एडजेसेंट वाले में, कि कभी भी ना सेम उसके सेम सरफेस के ऑपोजिट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तभी एडजेसेंट रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है, सॉरी मतलब सेम नंबर के ही उसमें होना चाहिए तब ये रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हमने इसमें देख लिया यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, अब पहला और चौथे डायग्राम हम देखेंगे कि दो के एडजेसेंट इस वाले में तो है तीन और छः, तो यहाँ हम लिख लेंगे तीन, यहाँ लिख लेंगे सिक्स। अब यहाँ पर टू के एडजेसेंट कौन सा नंबर है, वन और फोर, यहाँ हम लिख लेंगे वन और यहाँ लिखेंगे फोर, तीन आ गया। अब मतलब ये सारे नंबर तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकते, जो एडजेसेंट है वो ऑपोजिट है ही नहीं, तीन छः एक चार तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा, पाँच। तो दो के जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका नंबर पाँच, ठीक है। अब अगर इनसे भी नहीं होता क्वेश्चन तो आप समझ जाओ आपको कौन सा रूल लगाना है, फिर लगाना है आपको रूल नंबर थ्री जो कि है आपका ब्रह्मास्त्र, कहने का